नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। चीन से निपटने के लिए भारत ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। पिछले करीब 15 महीने से लद्दाख में चीन के साथ तनाव अब भी बना हुआ है, तो वहीं चीन तिब्बत के इलाके में अपने एयरबेस को मजबूत करने में लगातार जुटा है। इसी खतरे को देखते हुए भारत अब लद्दाख में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयारी में है। भारत पूरे लद्दाख क्षेत्र में 4 नए एयरपोर्ट और 37 हेलीपैड बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जो कि इस केंद्र शासित प्रदेश में टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी वहां तक राहत सामग्री पहुंचाने में बड़ा काम आ सकता है। भारत का ये कदम चीन की भी टेंशन बढ़ाएगा। दरअसल इकोनॉमी टाइम्स की एक रिपोर्ट चीन को टेंशन में डाल सकती है। इसके मुताबिक भारत ने लद्दाख में 4 नए एयरपोर्ट बनाने के लिए ज़मीन तलाश ली है, जिन पर भारी भरकम हवाई जहाज़ भी उतारे जा सकते हैं। इसके अलावा लद्दाख में 37 हेलीपैड के भी निर्माण का काम चालू है। ये हेलीपैड उन दर्जनों मिलिट्री इंस्टॉलेशन के अलावा हैं जो दशकों से काम कर रहे हैं। नए हेलीपैड लद्दाख के उन दूर दराज इलाकों पर भी बनाए जा रहे हैं, जहां पहुंचना अब तक बहुत ही मुश्किल रहा है। नए हेलीपैड विशाल चिनूक CH-47 हेलीकॉप्टर को भी सहजता से लैंड कराने में सक्षम होंगे। इससे आपदा और आपात स्थिति या सैन्य अभियानों में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। इनमें से ज़्यादातर हेलीपैड तो इसी साल से शुरू हो जाने की संभावना है। लद्दाख में जो 4 नए एयरपोर्ट बनाने की योजना है, उनमें से एक लेह में भी है, जो कि मौजूदा एयरपोर्ट के अलावा एक वैकल्पिक एयरफील्ड के रूप में होगी। साथ ही जंस्कार वैली में भी एक एयरफील्ड बनाने की योजना है। सबसे अहम बात यह है कि भारत की इस एयर कनेक्टिविटी योजना में लद्दाख का मशहूर चांगथंग का इलाका भी शामिल है, जिसके नज़दीक ही पेंगोंग लेक है। पेंगोंग लेक के किनारे चोटियों पर पिछले साल भारत सैनिकों ने ऐसा दम दिखाया था कि चीन की सेना को आखिरकार बातचीत के लिए टेबल पर आना पड़ा और फिर दोनों सेनाएं उस इलाके से पीछे हटने के लिए तैयार हुईं। नई योजना के तहत कारगिल में भी एक वैकल्पिक एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है। इसके बाद DGCA, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स जैसे संगठनों की ओर से एक साझा रिपोर्ट दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।